छापा मार अवैध शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में शराब बरामद। आगरा पुलिस ने आज छापा मार कर लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना एतमदौला के नागला बिहारी में एक गोदाम पर छापा मारा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि इस अवैध शराब की बाजार में कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। गोदाम में बड़े स्तर पर देसी और ब्रांडेड शराब का भंडारण हो रहा था, साथ ही देसी शराब की वहां मिक्सिंग और वहीं से बिक्री की जाती थी। बताया जा रहा है कि इस गोदाम मालिक विजय कुमार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने गोरखी शिवहरे नाम के शराब माफिया को किराए पर दे रखा था। गोरखी के ठिकानों पर पहले भी पुलिस छापा मार चुकी है। इसके साथ ही गोदाम में कचरे से प्लास्टिक बनाने का काम भी अवैध तरीके से पाया गया है। पुलिस का छापा पड़ते ही इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।